नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। मैं श्वेत भूषण त्रिपाठी आज कवर करने वाला हूं बीसीसी वर्सेस पीएलजेड। सुबह का जो टी10 का मैच होने वाला है उसका मैच प्रीव्यू। तो सबसे पहली बात ये कि ये टी10 मैच रिस्की होता है। जो रिस्की सूचना रहता है वो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग खेलना है। ग्रैंड लीग इसलिए कि इसमें कभी भी किसी भी बैटर का बैटिंग पोजीशन बदल सकता है, किसी भी बॉलर को डेथ में बॉलिंग दी जा सकती है, किसी भी बॉलर से ओपनिंग बॉलिंग करवाई जा सकती है और किसी भी मेन बॉलर को किसी भी मैच में बॉलिंग नहीं दी जा सकती है। तो इसको आपको अपने रिस्क पे खेलना है। हाँ, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। जो मैक्स ऑफ द टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम बॉलिंग करते हैं, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिनका टेक्निक अच्छा है बैटिंग का, उन सभी लोगों का एनालिसिस किया हुआ है और आपको इस प्रीव्यू में वही सारा एनालिसिस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बैटर बढ़िया है, कौन सी टीम कमज़ोर है, कौन सी टीम तगड़ी है, कौन सी टीम जीत सकती है और कौन सी टीम के हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस फैंटेसी को सिंपल रखना है, कोई कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, कि जिसका पॉइंट दिलाने का चांसेस ज़्यादा है उसको हम अपनी टीम में रखेंगे, जिसका पॉइंट दिलाने का चांसेस कम है उनको उतना ही निग्लेक्ट करते हुए चलेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलेंगे, ये नहीं कि कुछ फैसिनेटिंग करते हैं, आज इनको लेते हैं आज उनको लेते हैं, कुछ नहीं। जो बढ़िया खेलते हैं उनको हम लोग पिक करेंगे, जो अच्छा नहीं खेलते हैं जिनके चांसेस कम हैं उनको हम लोग उनका भी एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सिंपल और इसी फंडे के हिसाब से हम लोग आज इस मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो बीसीसी वर्सेस पीएलजेड का जो मैच है, इसमें पहली बात ये बीसीसी काफ़ी मजबूत टीम है। मजबूत ही नहीं, इस बार की आईपीएल, इस बार का ये जो इनका ट्रॉफी है चेक रिपब्लिक का, उसके कंटेंडर हैं ये। मतलब ये प्रबल दावेदार हैं विजेता आईपीएल मीन्स ये ट्रॉफी जीतने के। तो बीसीसी टीम काफ़ी मजबूत है और उसके पीएलजेड के मुकाबले, और पीएलजेड ऑन द पेपर काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको 7 और 4 का कॉम्बिनेशन मान के चलना है। मतलब बीसीसी के आपके 7 प्लेयर, वो भी सारे बॉलर्स आपको कवर करते हुए टीम बनानी है, और पीएलजेड के आपको 4 ऐसे बल्लेबाज या ऐसे बैटर बॉलर आपको रखने हैं, ऑलराउंडर रखने हैं, जो आपको थोड़ा बहुत पॉइंट दिला सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। यहाँ पे पिच रिपोर्ट उतना मायने रखता नहीं है, फिर भी एक बैलेंस्ड विकेट जहाँ पे बैटर्स को ज़्यादा मदद मिलने की, अरे मीन्स फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिलने की संभावना रहती है। अब बीसीसी टीम प्रीव्यू पहले ही बता दिया, बीसीसी टीम इस ट्रॉफी की प्रबल दावेदार है विजेता की, और उनके जो स्क्वाड है उसमें नेशनल टीम के काफ़ी खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये एक तरफा मुकाबला हो सकता है। तो 7 और 4 का कम्बिनेशन आपको अपनी ड्रीम 11 टीम में रखना है। अगर हम बात करें उनके मेन ओवर्स बॉलर्स जो बॉलिंग करेंगे, वो एस दावीजी, जावेद इकबाल, ऋतिक तोमर, एस भुइयन, एस अबुल फराद मैक्सिमम ओवर बॉलिंग करेंगे। इसमें से एस भुइयन अगर आप पिछला मैच उठाकर देखेंगे तो विकेट्स जरूर नहीं लिए हैं, लेकिन अगर किसी ने मैच देखा होगा तो वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, इन्होंने ओपनिंग किया हुआ है और आज के मैच में ये आपके लिए ट्रंप कार्ड पिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन कम हो सकता है, लेकिन ये आपको 2 ओवर बॉलिंग जिसमें विकेट दे सकते हैं, क्योंकि पिछले मैचेज में अगर आप देखेंगे तो दोनों मैचों में इनके ओवर्स पे कैच छूटे हैं। तो टी10 में कैच भी छूटेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपके बॉलर्स पे कैच छूट जाए, या तो ऐसा भी हो सकता है जिसको आपने कवर नहीं किया उसके भी कैच छूटेंगे, तो कैच भी छूटेंगे। नॉर्मल मैच होगा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है इनके क्रिकेट का, फिर भी हम लोग एक एनालिसिस करके चलेंगे कि ये हमेशा ज़्यादा पॉइंट दिलाते हैं तो ऑब्वियसली बात है उसी प्लेयर को कवर करना है। फिर अगर हम प्रोबेबल 11 की बात करें तो एस भुइयन, एस दावीजी और साहिल ग्रोवर भी ओपनिंग कर सकते हैं। मतलब एस भुइयन, एस दावीजी और साहिल ग्रोवर की इन्हीं तीनों में से कोई 2 ओपनिंग करेंगे। एस दावीजी श्योर डैम श्योर ओपनिंग करने वाले हैं, एस भुइयन ओपन कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। 1 डाउन ऋतिक तोमर आएंगे, जाहिद महमूद नंबर 4, लेकिन अगर पिछले साल का रिकॉर्ड खोलकर देखें तो जाहिद महमूद ने ओपनिंग किया हुआ है, तो जाहिद महमूद भी एक अच्छे खासे ओपनर हैं। जावेद इकबाल इनके कप्तान, और ये बॉलिंग अभी कर रहे हैं, अभी बैटिंग इनकी आई नहीं है, लेकिन बैटिंग कर सकते हैं, हिटिंग कर सकते हैं, नंबर 4-5 पे बल्लेबाजी करते हैं, 2 ओवर इनकी बॉलिंग श्योर है। शकलेन मुख्तार
भी बैटिंग ये एज ए बैटर खेल रहे हैं। अभी तक अमृत राय को पिछली मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, इनके जगह इमरान उल हक खेले थे, मतलब अमृत राय और इमरान उल हक में से एक। एस अबुल फराद काफ़ी बेहतरीन बॉलर और ये विकेट टेकिंग भी बॉलर हैं। आर सिंह बिष्ट एक ओवर किया हुआ है अभी तक, हालांकि ये विकेट लेस मतलब इनकी विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं रहती हैं। फिर भी अगर आप ग्रैंड लीग टीम बना रहे हैं तो पीएलजेड टीम कमजोर है, तो इनको आप किसी भी एक टीम में कवर कर सकते हैं। एम नबील अभी तक इन्होंने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं है, तो ये प्लेइंग 11 एम नबील की जगह कोई और भी खेल सकता है। अगर हम लोग प्लेयर वाइज स्टैट्स की बात करें, मेन प्लेयर्स की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो साहिल ग्रोवर की बात करें, अगर साहिल ग्रोवर बेहतरीन बल्लेबाज ओपन कर सकते हैं, कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे, कमजोर टीम है, कैचेज इनके पास जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि विकेट्स ज़्यादा गिरेंगी पीएलजेड टीम की, और ये विकेट कीपिंग से भी अगर स्पिनर्स बॉलिंग किए तो विकेट कीपिंग से पॉइंट दे सकते हैं, तो साहिल ग्रोवर यहाँ पे आपके मस्ट हैव पिक हो जाते हैं। तो इन्होंने का रिसेंट मैचेज का 2 मैच 38 रन बनाया, 24 हाईएस्ट स्कोर, सेकेंड मैच में इन्होंने ओपनिंग भी की थी, लेकिन नंबर 4 तक इनकी बैटिंग आना तय, तो साहिल ग्रोवर एक आपके लिए मस्ट हैव पिक हो गए। अमृतपाल राय सेकेंड मैच नहीं खेले थे, एवरेज बल्लेबाज, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं। इमरान उल हक अभी तक जो मैच खेला हुआ है, एक ओवर बॉलिंग की हुई है, हालांकि ये मेन बैटर हैं। अगर इनका 2020 का स्टैट्स देखें तो 5 मैच 19 रन 6.33 का एवरेज, मतलब ये काफ़ी एवरेज बल्लेबाज हैं, आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं, हालांकि ये बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि पीएलजेड टीम कमजोर है, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है। मोहम्मद नबील का कोई खास एवरेज है नहीं, मोहम्मद जुबैर खेलेंगे नहीं, शकील साकिब मुख्तार एज ए बैटर अभी तक खेल रहे हैं, तो इनकी बात करें तो काफ़ी एवरेज हैं, काफ़ी डाउन द ऑर्डर बैटिंग करेंगे। हाँ, कोई एक्सपेरिमेंट हो जाए, ऊपर आ जाए, उसका कोई गारंटी नहीं हुआ है, तो इनको कवर नहीं, इनके इनसे भी बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप उनको कवर कर सकते हैं। जाहिद महमूद ओपनर बल्लेबाज हैं, अगर आपको बैटिंग में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आप जाहिद महमूद को ले सकते हैं, अगर ये ओपन कर गए तो आपको पॉइंट दिला जाएंगे, लेकिन अभी तक 2 मैचेज जो हुआ है इन्होंने ओपन नहीं किया हुआ है, तो अगर ये कमजोर टीम है पीएलजेड, अगर ये ओपन कर गए तो पॉइंट दिला कर जाएंगे, और अगर ओपनर में आपको लगता है कि मैं इनको कवर करके थोड़ा बहुत पॉइंट ले सकता हूं, तो आप ले सकते हैं। वैसे इनका रिकॉर्ड है 7 मैचों में 131 रन 27 का एवरेज, 158 का स्ट्राइक रेट, 42 हाईएस्ट स्कोर, मतलब ये स्कोर कर सकते हैं जाहिद महमूद, और आप उनको ओपनर रख सकते हैं। मोहम्मद उस्मान पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, अभी तक कुछ इनका खास अभी खेले भी नहीं है। जावेद इकबाल की बात करते हैं, तो जावेद इकबाल बॉलर काफ़ी तगड़े हैं, 2 ओवर बॉलिंग करके जाएंगे, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, प्लस ये बैटिंग भी करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि पिछले 2 मैचों में इनकी बैटिंग नहीं आई है, तो इनको बैटिंग के लिए ये खुद अपने आप को प्रमोट करके बैटिंग के लिए ऊपर आ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, तो ये लेकिन बॉलिंग करके जाएंगे और ये मस्ट हैव पिक हो जाते हैं आपके टीम में। अगर इनका रिसेंट मैचेस की बात करें तो 2 मैचों में 4 ओवर किया है, 30 रन देकर 2 विकेट, तो आपको 2 विकेट या 1 विकेट भी देकर चले जाते हैं, तो ये मस्ट हैव पिक हो गए। ऋतिक तोमर की बात करते हैं, बेस्ट चॉइस ऑफ कैप्टेंसी एंड बीसी, 2 ओवर बॉलिंग करके जाएंगे, स्विंग बॉलिंग कराते हैं, विकेट टेकिंग बॉल्स रखते हैं, स्टंप टू स्टंप लाइन रहती है इनकी, और ये बैटिंग भी करते हैं, हिटिंग एबिलिटी है, नंबर 3 तक या नंबर 4 तक इनकी बैटिंग आना तय है, तो ऋतिक तोमर आपके लिए सीबीसी के चॉइस हो जाएंगे। अगर ऋतिक तोमर का हम पिछले 2 मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो 2 इनिंग में 28 रन दिए हैं, प्लस 4 ओवर करके 2 विकेट लिया हुआ है। अगर 2021 का स्टैट्स देखें तो 14 ओवर में 5 विकेट लिया हुआ है ऋतिक तोमर में, और 10 मैचों में कुल बनाए हैं 115 रन, तो इनके काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट इनका देखिए 198.27, तो काफ़ी बेहतरीन हीटर हैं। सबाउन दाविजी सबसे बेस्ट बैटर बीसीसी टीम के, काफ़ी खतरनाक बैटिंग करते हैं, टेक्निकल बल्लेबाज, हिटिंग एबिलिटी है, और ये आपको अच्छा खासा स्कोर करके जाएंगे क्योंकि पीएलजेड टीम काफ़ी कमजोर है, तो इनको ये मस्ट हैव पिक हो गए। सीवीसी के सबसे बेस्ट ऑप्शन, मैक्स ऑफ द टीम में आप इनको कप्तान पाएंगे, और इनका अगर स्ट्राइक रेट भी देखें तो 161 का उमदा एवरेज इन T10 33, दैट इज एक्सेप्शनल, एवरेज भी एक्सेप्शनल है, और अगर हम इनका इंटरनेशनल रिकॉर्ड देखें तो 75 का एवरेज अभी बना कर आया है हालिया, जो चेक रिपब्लिक से खेला हुआ, और रिसेंट मैच देखें तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा, 33 रन 2 मैचेस, और 2 मैचों में 3 ओवर करके 2 विकेट भी लिए हुए हैं, तो मतलब सीबीसी के सबसे बेस्ट चॉइस। अब आते हैं साजिब भुइयान पे, साजिब भुइयान अगर इनका रिसेंट मैच का बॉलिंग देखेंगे तो 2 मैचों में 24 रन देकर 0 विकेट, लेकिन बात मानिए मेरा कि ये एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट लेकर जाएंगे, और अब
लक अलग बात है कि लक इनके फेवर में ना रहा, फिर से कैचेस ड्रॉप हुए, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये विकेट लेकर जाएंगे। हाँ, अगर हम इनका बात करें तो मेन इनका बैटिंग है नहीं, वैसे इन्होंने ओपनिंग ओपन किया हुआ था पहले मैच में जो बीसीसी ने खेला हुआ था, ओपन किया था, 20 रन बनाए थे। मतलब अगर ये ओपन कर गए फिर से आज, तो ये आपके लिए ट्रम्प का पिक हो जाएंगे। वैसे ओपन किया था एक मैच में तो मैक्स ऑफ द प्लेयर कवर करके चलेंगे, लेकिन अगर किसी ने इनकी बॉलिंग देखी और इनको ड्रॉप कर दिया तो फिर ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो जाएंगे। साजिब भुइयान को मत भूलिएगा, बॉलिंग विकेट टेकिंग बॉलर हैं, विकेट लेकर जा सकते हैं। हालांकि पिछले दो मैचों में इनको लक की वजह से विकेट नहीं मिला। समित पोखरियाल उतना अच्छा है नहीं इनका स्टैट्स, क्षितिज पूरी नहीं खेलेंगे, अली मोहम्मद नहीं खेलेंगे, अली बकार भी नहीं खेलेंगे, आप देख लीजिएगा अगर खेले तो ये स्टैट्स है इनका। और आरिफ जावेद नो स्टैट्स फाउंड, कमल सिंह भिंडर भी नहीं खेलेंगे, निर्मल कुमार का काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं खेलेंगे तो ठीक है, नहीं खेले 10 मैचों में 14 ओवर करके 4 विकेट, विकेट टेकिंग बॉलर है नहीं। रविंद्र सिंह बिष्ट, ये आपको कभी कदार ओवर करते हुए दिखेंगे, अभी तक एक ओवर किया हुआ है, बॉलिंग मिल सकती है इनको, ये बॉलर हैं। आर सिंह बिष्ट, और यहाँ पे अगर इनको बॉलिंग मिली तो विकेट लेकर जा सकते हैं पीएलजेड टीम के खिलाफ, लेकिन अगर एज अगर इनका पूरा ट्रेंड उठाकर देखें तो ये बॉलिंग तो करते हैं लेकिन उतना विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं फेंक पाते हैं, तो आप सोच समझकर इनको पिक करिएगा, आप ग्रैंड लीग टीम में इनको पिक कर सकते हैं। अबुल फरहाद सबसे सौरभ का कार्य है, इनके सबसे बेस्ट बल्लेबाज, फास्ट डिलीवरीज फेंकते हैं, स्पीड रहती है इनके डिलीवरीज में, लेकिन अभी तक खेल नहीं रहे हैं। अबुल फरहाद की बात करता हूँ, अबुल फरहाद अभी सब अभी जो मैचेज हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब विकेट 4 विकेट लेकर गए हैं, तो ये मस्ट हैव पिक हो जाते हैं वीएलजेड के खिलाफ। अब अशोक रेड्डी नहीं खेलेंगे, सुरजीत सिंह तक वसीम सरदार खान, तो ये रही आपकी टीम प्लेयर वाइज एनालिसिस, एक एक प्लेयर के बारे में हम लोग ने एनालिसिस कर लिया है, और अब आगे हम बात करेंगे पीएलजेड टीम के बारे में। तो पीएलजेड टीम के बारे में बात करेंगे, प्लेजन गार्डियन टीम काफ़ी कमज़ोर है ऑन द पेपर, जो दो मैचेस खेले हैं दोनों इनको हार का सामना करना पड़ा है, तो मतलब यहाँ पे एक तरफा मुकाबले की उम्मीद जताई जा सकती है, और क्रिकेट अनप्रिडिक्टेबल गेम होता है, कुछ भी हो सकता है, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर हम ऑन द पेपर रिकॉर्ड देखें, प्लेयर वाइज एनालिसिस करके देखें, तो ये पीएलजेड टीम काफ़ी कमज़ोर दिखती है और यहाँ पे इनके हार के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर अब हम लोग प्रोबेबल 11 की बात करते हैं प्लेजन गार्जियन की, तो यशवंत सालियन ने ओपनिंग किया था, फिर मिलन वारसादिया ओपन किया था इनके साथ, यशवंत सालियन के साथ मिलन वारसादिया दूसरे मैच में ओपन किया था, देन जतिन कुमार सबसे बेस्ट बैटर इनके कप्तान, और इन्हीं के ऊपर सारी की सारी बैटिंग डिपेंडेंट रहेगी, जितना रन और जितनी तेजी से ये स्कोर करेंगे उतना ही फायदा रहेगा। अब हम बात करते हैं निर्मल कुमार की, बॉलिंग करके जाएंगे 2 ओवर और ये मस्ट हैव पिक हो जाते हैं बॉलिंग सेक्शन में, इनको बॉलिंग सेक्शन में रखा हुआ है ड्रीम इलेवन ने, तो ये बैटिंग करके जाएंगे 4 तक इनकी बैटिंग आना श्योर है, और ये आपको बॉलिंग 2 ओवर करके जाएंगे, तो अगर एक दुक्का विकेट भी ले लिया तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, इनकी बैटिंग प्लस पॉइंट हो जाती है, 10-5 रन बनाकर चले गए। तो अश्विन संपत या एल्डो सलीम खेलेंगे, एल्डो सलीम पिछला मैच दूसरा मैच हुआ था उसमें बैटिंग नहीं आई थी, हालांकि टीम में थे, तो अश्विन संपत पहले मैच में ओपनिंग किया हुआ था। और फिर बात करते हैं डीजो विंसेंट, इनके विकेट कीपर हैं, विकेट कीपिंग से पॉइंट जो दे जाए वो ठीक, कपिल कुमार बॉलिंग करेंगे, प्रभु बालकृष्णन और साजिब अली में से कोई एक, फानी मानतंडा इनके फास्ट बॉलर है, डेथ में बॉलिंग करेंगे, ओपन बॉलिंग करेंगे, तो ये इनके सबसे प्रमुख बॉलर हो गए, शरण रविचंद्रन, देन सलीम खान स्पिनर हैं, और ये जो भी कर जाए सलीम खान विकेट यही लिए थे। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस का, तो उतना डेटा हमें मिला नहीं है पीएलजेड टीम का, लेकिन जो भी प्लेयर्स के डेटा मिले हैं उतना काफ़ी है, क्योंकि हमें इनके ज़्यादा प्लेयर्स लेने नहीं हैं, और जितना प्लेयर्स के डेटा हैं उतना बहुत है हमारे लिए। अब हम बात करते हैं यशवंत सालियान की, दूसरे मैच में अच्छा स्कोर किया हुआ था, 32 का हाइएस्ट स्कोर इन्होंने अभी बनाया है रिसेंट मैच में, लेकिन बॉलें खेली 36, इस कारण से टीम ने बनाए थे सिर्फ मात्र 65 रन, काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी टीम, लेकिन फिर वही बात है, हमें इनके में से 4 अच्छे बल्लेबाज छाटने, 4 अच्छे प्लेयर छाटने, तो यशवंत सालियान एक वन ऑफ द पिक हैं जो आपको ले लेने हैं बैटिंग चॉइस में,
पीएलजेड टीम से। अब बात करते हैं अश्विन संपत, पहला मैच खेला था, कुछ खास किया नहीं, इनका रिसेंट रिकॉर्ड भी कुछ खास नहीं है। फिर हम बात करते हैं जतिन कुमार, इनके कप्तान, सबसे बेस्ट बैटर, जो कुछ रन बनाकर जाएंगे तो आप ये ऑलराउंडर सेक्शन में रखे गए हैं, बॉलिंग करते हैं तो ये बॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बॉलिंग दोनों मैचों में किया नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ये आपको बैटिंग से कुछ पॉइंट दिला सकते हैं अपनी टीम से, और ये सबसे बेस्ट बल्लेबाज, इनका हाईएस्ट स्कोर 28, जो भी रन किया था काफ़ी अच्छा किया था, काफ़ी अच्छे दिखे थे अपना मैच जो इन्होंने खेला हुआ है। निर्मल कुमार, फिर से वही बात आ जाती है, बॉलिंग करके जाएंगे, और आपको अगर हम इनका T20 का स्टैट्स देख लें, 12 मैचों में 14 हाईएस्ट स्कोर, मतलब इनकी बैटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। हालांकि यहां पे चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते दिखेंगे, और 58 ओवर में 283 रन देकर 23 विकेट, इनकी मेन बॉलिंग है। अगर एक आध विकेट लेकर गए तो ठीक। मिलन वारसादिया, इन्होंने ओपन किया था सेकेंड मैच में, अगर इनका बैटिंग रिकॉर्ड देख लें T20 में 17 मैचों में 136 रन, 23 हाईएस्ट स्कोर, और ये बॉलिंग भी करते हैं तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं, ग्रैंड लीग टीम में एक आध टीम में ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है बैटिंग सेक्शन में तो आप इनको रख सकते हैं किसी भी बॉल बैटर को कम करके। 16 ओवर में 103 रन, 5 विकेट। डीजो विंसेंट इनके विकेट कीपर हैं, इनका T20 स्टैट्स देख लें तो 28 मैचों में 21 इनिंग में 144 रन, 39 हाईएस्ट स्कोर है, और इन्होंने बॉलिंग भी की हुई, हालांकि यहां पे विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग करेंगे नहीं, तो 28 मैचों में 28.3 ओवर करके 14 विकेट, मतलब खास बॉलिंग भी नहीं करते हैं। कपिल कुमार खेलते हुए आपको दिखेंगे, बॉलिंग 2 ओवर करेंगे, ब्लाइंड लेंथ इनका इशू है, इनका कंट्रोल नहीं है अभी अपने बॉलिंग पे, तो ये इनका इशू है। लेकिन इनका अगर T20 का स्टैट्स देखें तो 24 मैचों में 89 रन, 24 का हाईएस्ट स्कोर, 72.3 ओवर, 455 रन बनाया है, दिए हुए हैं, और 23 विकेट लिया हुआ है। तो कपिल कुमार भी एक ऐसे विकल्प हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं इन योर ग्रैंड लीग, लेकिन हमें करना है कि IPL के सिर्फ चार खिलाड़ियों को रखना है और उन्हीं में रोटेट कर लेना है। प्रभु बालाकृष्णन कुछ खास किया नहीं है अभी तक, फनी मानदंडा की बात करें तो अच्छे बॉलर हैं इन, मतलब ये शुरू में भी बॉलिंग करेंगे, लास्ट में भी बॉलिंग करेंगे, कर सकते हैं, और 2 मैचों में 4 ओवर, मात्र यही एक बॉलर है जिन्होंने अभी तक 4 ओवर का दोनों मैचों में कोटा पूरा किया हुआ है, तो समझ लीजिए इनके प्रमुख बॉलर, और 38 रन देकर 1 विकेट मात्र लिया हुआ है। तो सभी आप इनका अगर ये देखेंगे कि इनका कौन सा अच्छा कोई डेटा मिल जाए तो अच्छा डेटा आपको मतलब दिखेगा नहीं। फिर शरण रविचंद्रन खेलते हुए दिख सकते हैं, सलीम खान की बात कर लेते हैं, 10 अगर रिसेंट मैचों की बात करें, 2 मैच में 2 ओवर करके 29 रन, 2 विकेट, दूसरे ओवर में इनको बॉलिंग नहीं मिली थी, पहले ओवर में ही इन्होंने दोनों विकेट अपने लिए हुए थे। अब बात करें 10 मैचों में 63 रन देकर 5 विकेट T20 में, इनका एक अच्छे प्लेयर हैं केयूर पटेल, इसलिए इनका मैंने मेंशन कर दिया, हालांकि अभी तक खेला नहीं है, खेल सकते हैं। 82 मैच में 888 रन, 76 का हाईएस्ट स्कोर, 18 का एवरेज तो काफ़ी कम है लेकिन हाईएस्ट स्कोर 76 है, मतलब कुछ मैचों में प्रदर्शन कर सकते हैं, और बॉलिंग भी इनकी तगड़ी है, 244.3 ओवर, 1282 रन कंसीड किए हैं, 89 विकेट लिए हुए हैं, तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर केयूर पटेल खेले तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं अपने ड्रीम इलेवन टीम में। ये रही मैच प्रीव्यू, प्लेयर वाइज एनालिसिस, अब हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन, अब हम बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम की। तो विकेट कीपर सेक्शन में देखते हैं, 2 विकल्प हैं, डी विंसेंट और एस ग्रोवर, जिसमें से एस ग्रोवर को मैंने पिक किया हुआ है। 4 पर अगर बल्लेबाजी आई तो मतलब इनके आपको बैटिंग से पॉइंट नहीं मिल पाएंगे, तो जो भी आपको डिपेंडेंट रहना है इनके, आपको फिर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा विकेट कीपिंग स्किल पे, जितने कैचेज और विकेट कीपिंग अगर इन्होंने किया तो आपको पॉइंट मिलेंगे। आप डी विंसेंट को भी ट्राई कर सकते हैं, वही बात है, विंसेंट की बैटिंग तो आएगी लेकिन कितना पॉइंट दिलाएंगे ये कंफर्म नहीं है। एस ग्रोवर अगर ओपन किए तो ठीक ठाक आपको पॉइंट दिला कर जाएंगे, तो ये रिस्क रहेगा। इन दोनों में से आप किसी एक को पिक कर लीजिए, मैंने एस ग्रोवर को पिक किया है कि मैं मानकर चल रहा हूँ इनके विकेट कीपिंग स्किल से मुझे पॉइंट दिलाकर जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ केयूर पटेल, फिर से खेला नहीं है लेकिन आप ले सकते हैं, अच्छे पिक हो सकते हैं। इमरान उल हक की बात करता हूं, खेला तो है इन्होंने लेकिन एक ही ओवर बॉलिंग की है, बैटिंग आने की संभावना कम है, और मैं BCC के ऐसे प्लेयर्स को लेना चाहता हूं जो ऑलराउंडर हो, जो बॉलिंग से विकेट दिला कर जाए और बैटिंग ओपन कर गया है, तो मैंने इसलिए इमरान उल हक को यहां पे नहीं ट्राई किया। अमृत राय फिर से खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे कंफर्म नहीं है,
और अब हम बात करते हैं मोहम्मद नबील, अभी कुछ किया नहीं है, जाहिद महमूद ओपन कर सकते हैं, इसलिए इनका सिलेक्शन आप 76.22% देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिलेक्शन परसेंटेज से नहीं मतलब है। मैं एम वारसादिया को ले रहा हूँ अभी, वाई सलेन को ले रहा हूँ। एम वारसादिया एक मैच में ओपनिंग आए थे, इसलिए मैंने तीनों PLZ के मैंने 2 PLZ प्लस, और आप यहाँ पे तो यहाँ बात कर लेते हैं कि एम वारसादिया और वाई सलेन को ले लिया, तो अब बचा कौन? बचा हमारे पास जिसान मसूद, इसको इनको भी मैंने पिक कर लिया है, और बाकी किसी के उतने पॉइंट दिलाने के चांसेस नहीं है। तो जिसान मसूद को मजबूरी में पिक किया गया है, आप किसी और बैटर को ट्राई कर सकते हैं। जिसान मसूद ओपन किया हुआ, ओपन कर सकते हैं, बैटिंग नंबर 4 तक आएगी, लेकिन पॉइंट दिलाकर जाएंगे ये कि नहीं ये कन्फर्म है। और लास्ट मोमेंट जो चेंजेस होंगे, हम टेलीग्राम पर लाइनअप के अनुसार चेंज टीम चेंज करके देंगे। अब हम बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो सबसे फर्स्ट पिक जावेद इकबाल, मस्ट हैव पिक, आपके टीम में होने चाहिए। विकेट बॉलिंग करके जाएंगे 2 ओवर, प्लस अगर हिटिंग कुछ प्रमोशन हुआ इधर उधर तो बैटिंग से भी पॉइंट दिलाकर जाएंगे। फिर बात करते हैं एस डावी जी की, एस डावी जी आपके मस्ट हैव पिक, कैप्टेंसी के सबसे बेस्ट चॉइस, बॉलिंग करके जाएंगे 2 ओवर प्लस ओपनिंग बैटिंग। एस भुइयन को मैंने लिया हुआ, 2 ओवर बॉलिंग श्योर है, 2 ओवर आपको बॉलिंग करके जाएंगे, विकेट दिलाकर जाएंगे, ओपन भी कर सकते हैं, इसलिए एस भुइयन मस्ट हैव पिक हो गया। फिर जतिन कुमार इनके कप्तान को मैंने लिया हुआ है, बैटिंग से जो पॉइंट दिलाकर जाएंगे मैं इसलिए इनको अपनी टीम में कवर किया हुआ है। फिर अब बात करते हैं पी मांतड़ा की, बात करते हैं कि आपके PLZ टीम के अच्छे बॉलर हैं, लेकिन विकेट लेंगे नहीं लेंगे कंफर्म नहीं है, इसलिए मैंने सारे BCC टीम के बॉलर्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है। ऋतिक तोमर मस्ट हैव पिक, CBC के सबसे बेहतरीन चॉइस, आपके टीम में होने चाहिए। एस फरहाद विकेट टेकिंग बॉलर्स, शुरू में बॉलिंग करेंगे, स्विंग डिलीवरी है इनके पास, और ये काफ़ी स्किलफुल बॉलर हैं, इसलिए ये आपकी टीम में रहेंगे। अगर हम बात करते हैं नवीन कुमार की, तो नवीन कुमार आपको बॉलिंग से पॉइंट तो दिलाकर जाएं चाहे ना दिलाएं अलग बात है, लेकिन ये आपको बैटिंग से पॉइंट दिलाकर जाएंगे, तो इनकी बैटिंग प्लस पॉइंट और बॉलिंग भी रहेगी, इसलिए मैंने नवीन कुमार को अपनी टीम में रखा है। अभी तक ये टीम रही आपकी। और अब हम बात करते हैं CVC की, CVC में सबसे डिफॉल्ट चॉइस एस डावी जी, और VC में आप एस भुइयन को बना सकते हैं, जावेद इकबाल को बना सकते हैं, ऋतिक तोमर को बना सकते हैं, तो मेरा VC अभी ऋतिक तोमर है अभी के लिए, और लास्ट मोमेंट में भी यही रहेंगे। और कोई चेंजेस होते हैं कि अगर जावेद इकबाल को ओपनिंग दिखा दिया जाता है, तो जावेद इकबाल भी आपके VC चॉइस हो सकते हैं। तो जो भी CVC होंगे अकॉर्डिंग टू बैटिंग लाइनअप, हम उनको आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे। ये रही आज की टीम। और हाँ, अगर आपको वीडियो लाइक अच्छा लगा हो तो लाइक चैनल वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के सारे लेटेस्ट क्रिकेट से जुड़ी सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।